हाँ तो नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश शर्मा स्वागत करता हूँ आपका फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपके लिए मैं लेकर आया हूँ मैथ्स का कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, जो कि आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है। तो दोस्तों सवालों को अच्छे तरीके से समझने के लिए यार वीडियो में आखिर तक बने रहें, और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों जल्दी से वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो यार सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको हमारे आने वाले नए वीडियो के नोटिफिकेशन दोस्तों मिलते रहें, क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए डेली ऐसा ही महत्वपूर्ण वीडियो हमारे चैनल पर लेके आते रहते हैं। साथ ही दोस्तों आपको एक जानकारी देना चाहता हूं कि हमारे चैनल पर डेली सामान्य ज्ञान की लाइव क्लासेस चलती हैं, जिसमें जीके और जीएस करवाया जाता है। तो दोस्तों आपसे निवेदन है कि लाइव क्लास आप जरूर अटेंड करें, दोपहर 3 बजे या 4 बजे वो क्लास होती है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप क्लास अटेंड करें। तो बिना देर के दोस्तों चलेंगे सीधा वीडियो की तरफ, देखेंगे आज का हमारा पहला महत्वपूर्ण सवाल। तो ये रहा दोस्तों आज का आपका पहला महत्वपूर्ण सवाल, सवाल को ध्यान से पढ़ेंगे दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सवाल है आपके लिए। एक संख्या किसी दूसरी संख्या की 25% है, बड़ी संख्या छोटी संख्या से 12 अधिक है, तो बड़ी संख्या क्या है ये आपको बताना है। बहुत ही सिंपल सवाल है दोस्तों, कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है, दो संख्याएँ दी है, ये हो गई आपकी पहली संख्या और ये हो जाएगी आपकी दूसरी संख्या, ठीक है। क्या बोल रहा है सवाल में कि एक संख्या किसी दूसरी संख्या की 25% है, यानी कि ये जो संख्या है इसकी क्या है दोस्तों 25% है। तो दोस्तों 25% को फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं, 25% को फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं दोस्तों, 1/4, क्लियर है। यानी कि दोस्तों अगर ये 1 है तो ये कितनी होगी, 4 होगी, ये कितना है इसका 25%, क्लियर है मेरे दोस्त। ये जो है इसका क्या है 25% है, यही तो सवाल में बोल रहा है कि एक संख्या किसी दूसरी संख्या के 25% है, यानी कि ये एक संख्या है ये इसकी क्या है 25%, क्लियर है। अब वो बोल रहा है कि बड़ी संख्या छोटी संख्या से 12 अधिक है, यानी कि जो बड़ी संख्या है वो छोटी संख्या से कितनी है 12 अधिक है, यानी कि इन दोनों में अंतर कितना है मेरे दोस्त 12 का है। और अगर अनुपात में हम इनमें अंतर देखें तो कितना है 3 का अंतर है, अनुपात में अंतर कितना है 3 का और संख्या में अंतर कितना है 12 का, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे बराबर। यहाँ से 1 की वैल्यू आप निकाल लेंगे तो हो जाएगा 3 एकम 3, काटेंगे इसको 3 चुका 12, कितना निकल के आ गया है 4 निकल के आ चुकी है 1 की वैल्यू, 1 की वैल्यू हमारे पास 4 निकल कर आ चुकी है, कितने निकल कर आ चुकी है मेरे दोस्त 4 निकल कर आ चुकी है। तो छोटी संख्या ये थी हमारी और बड़ी संख्या ये थी, तो कितनी हो जाएगी छोटी संख्या के लिए इसमें गुणा कर देंगे 4 एकम 4 हो जाएगा, बड़ी संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे 4 चुक 16, ये हो जाएगी आपकी छोटी संख्या और ये हो जाएगी आपकी बड़ी संख्या। छोटी संख्या क्या है 4 है और बड़ी संख्या क्या है 16 है, कैसे निकल के आया, 1 की वैल्यू यहाँ से हमने निकाली, अनुपात कितना था 1:4 था, अनुपात में अंतर कितना 3 और संख्या में अंतर कितना 12, तो यहाँ से 1 की वैल्यू हमने निकाल ली 3 एकम 3 और 3 चुका 12, तो 4 निकल कर आ चुका, 1 बराबर 4 है, तो 1 की वैल्यू तो कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी, 4 का गुणा कर देंगे, और 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी तो 4 का इसमें गुणा कर देंगे 4 चुका 16। अब दोस्तों पूछ क्या रहा है हमसे प्रश्न में कि बड़ी संख्या क्या होगी, तो दोस्तों इन दोनों में बड़ी संख्या क्या है 16 है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करूंगा दोस्तों कि आपको सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा। दोस्तों अगर आपको सवाल समझ में आ रहे हैं तो यार वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि डेली ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो आपको चैनल पर मिलेंगे। तो जल्दी से देखते हैं दोस्तों हमारा अगला सवाल। तो ये रहा दोस्तों आपका अगला सवाल, बहुत ही शानदार सवाल दिया है, सवाल को ध्यान से समझेंगे दोस्तों। एक संख्या का 40% बराबर है 290 के, 40% किसके बराबर है 290 के बराबर है, तो वह कौन सी संख्या है जो प्रारंभिक संख्या से 20% अधिक है। सवाल बहुत ही सिंपल है, क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या दे दिया है कि 40% है जो काय के बराबर है 290 के बराबर, तो क्या करेंगे आप 290/40 करेंगे, क्या करेंगे 290/40, क्योंकि जो 290 किसके बराबर है 40 के बराबर, क्लियर है। आगे क्या बोल रहे हैं दोस्तों, जो प्रारंभिक संख्या से एक 20% अधिक है, कितना है 20% अधिक है, तो यहाँ पर हम पहले क्या करते हैं 100 का गुणा करते थे, लेकिन वो बोल रहा है कि 20% अधिक है, तो काय का गुणा करेंगे आप 120 का करेंगे मेरे दोस्त, काय का करेंगे 120 का। अगर संख्या पूछता कि वह संख्या क्या है तो गुणा काय का करते 100 का करते, लेकिन वो पूछ रहा है कि जो प्रारंभिक संख्या है वास्तविक जो संख्या है उससे 20% अधिक जो संख्या है वो क्या है, तो क्या करेंगे 120 का गुणा करेंगे, हल करेंगे इसको क्या हो जाएगा
जीरो से जीरो मेरा दोस्त कैंसिल हो जाएगा, चार एकम चार, चार त्रिया बारह, क्लियर है। तीन का गुणा नौ में करेंगे, नौ तीन सत्ताईस का सात, हासिल कितना आ जाएगा दो, तीन दून छः और दो कितना हो जाएगा आठ, और जीरो वैसा का वैसा यानी कि 870 हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। यानी कि जो प्रारंभिक संख्या से 20% अधिक है वह संख्या क्या होगी, 870 होगी। इसी सवाल में सेम टू सेम सवाल होता और अगर वह बोलता कि संख्या क्या है, एक संख्या का 40% बराबर 290 के है तो वह संख्या क्या है, अगर ऐसा अगर सवाल पूछता तो क्या करते दोस्तों, 290 बटे 40 गुणा 100 करते, सिंपल सा यही करते दोस्तों। जीरो से आपका जीरो कैंसिल हो जाता, इसको काटेंगे आप चार एकम चार, चार दुना आठ, कितने बार दो बचेगा, कितने बार कट जाएगा, दशमलव लग के दो पंजे दस, यानी कि 2.5 निकल के आएगा। इसका गुणा आप करेंगे 290 में, काय में करेंगे दोस्तों, इसका गुणा 290 में करेंगे, कर लीजिए गुणा दोस्तों, इनका हम कर लेते हैं। इसका गुणा इसमें करेंगे 25 में कितना हो जाएगा, 25 में होता है 225 का 5, हासिल आ जाएगा 22, 25 दोनों 50, 50 में दोस्तों 22 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 72, ये लग जाएगा दशमलव और जीरो। 725 जो वास्तविक संख्या है वो 725 है, लेकिन आपसे पूछा है कि इस संख्या से 20% अधिक जो संख्या होगी वह क्या होगी, तो मेरे दोस्त ये होगी 870, क्लियर है। अगर वो बोलता है कि 20 प्रारंभिक संख्या से 20% कम है तो क्या करते, कम कर देते, 100 में से कम करके करते तो 80 का फिर गुणा करते, क्लियर है। आशा करूँगा दोस्तों सवाल आपको समझ आ गया होगा, बढ़ेंगे अगले वाले सवाल की ओर। ये रहा दोस्तों आपका अगला सवाल, बहुत ही शानदार सवाल, जिसको पिछला सवाल दोस्तों थोड़ा कम समझ में आया है उसके लिए सवाल है, बहुत ही शानदार है सवाल, इसको ध्यान से समझेंगे, जिसको पिछला सवाल कम समझ में आया है बिल्कुल इसमें डाउट क्लियर कर देंगे आपका। यदि एक संख्या का 25% क्या है दोस्तों, 6 है, 25% काय के बराबर है, 6 के बराबर है, यानी कि यहाँ पर हम क्या करेंगे दोस्तों, 6/25 कर देंगे, क्या कर देंगे 6/25, यानी सवाल में दिया है दोस्तों कि किसी यदि एक संख्या का 25% 6 है, 25% क्या 6 है, तो वह संख्या क्या है जो प्रारंभिक संख्या से 50% अधिक है। आप दोस्तों आप समझदार हो, यहाँ क्या दिया है, प्रारंभिक संख्या से 50% अधिक है, 50% अधिक है तो गुणा काय का करूँगा दोस्तों, मैं 150 का गुणा करूँगा, वो बोलता है कि 50% कम है तो 50 का गुणा करता, 100 में से घटा के करता, क्लियर है। काट लीजिए इसको, 25 से कम 25, 25 छः का 150, 6 बार कट जाएगा, 6 का 6 में आप गुणा करेंगे, निकल के आ जाएगा आपका 36, और ये हो जाएगा दोस्तों आपका इसका राइट आंसर। आशा करूँगा दोस्तों सवाल आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन दोस्तों इस सवाल को आप एक बेसिक ट्रिक से भी कर सकते हैं या बेसिक मेथड उसको बोल सकते हैं, कैसे करेंगे, छोटी संख्या है ये, यदि एक संख्या का 25% 6 है, यदि दोस्तों इसका 25% 6 है तो इसका 100% क्या होगा, सिंपल सा आप बता सकते हैं, 6 चुक 24, इसका 100% क्या होगा, 24 होगा, यानी कि वास्तविक संख्या कितनी हो जाएगी, 24 हो जाएगी, क्योंकि दोस्तों आपको प्रतिशत निकालना तो आता होगा, अगर प्रतिशत निकालना आपको नहीं आता है तो मेरा प्रतिशत वाला वीडियो आप देख सकते हैं चैनल पर, मैथ्स वाली प्ले लिस्ट में जाकर, वहाँ पर मैंने मैथ्स के जो प्रतिशत है उसके सवाल भी वहाँ पर करवाएं आपको, और प्रतिशत निकालना भी उसमें सिखाया है। 25% बराबर 6 है तो 100% बराबर कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों, 24 हो जाएगा, 6 चुका 24। अब वो बोल रहा है कि इस संख्या से 50% अधिक है, 24 का 50% कितना होगा मेरे दोस्त, 24 का 50% 12 हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ देंगे तो आंसर आपका निकल के आ जाएगा 36, और यही है तो हमारा करेक्ट आंसर है। कौन सा वाला ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर पहला ही दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपको जो विधि अच्छी लगे उससे आप सवाल को हल कर सकते हैं, बस आपका सवाल एग्जाम में गलत नहीं होना चाहिए, दोनों मेथड से आप कर सकते हैं, आंसर बिल्कुल आपका करेक्ट निकल कर आएगा। अगला वाला सवाल देख लेते हैं दोस्तों, अगला वाला सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, इकाई का अंक आपको इसमें ज्ञात करना है। हाल ही में दोस्तों इकाई का अंक मैंने आपको ज्ञात करना सिखाया है, इसके ऊपर पिछला जो वीडियो हमारा था इसी के ऊपर था, इकाई अंक कैसे ज्ञात करते हैं, बहुत सारे सवाल मैंने आपको उसमें करवाए हैं और बहुत सारी ट्रिक वगैरह भी उसमें मैंने आपको सिखाई है। वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, इकाई अंक कैसे निकालते हैं आप वो वाला वीडियो भी देख सकते हैं। तो सवाल आपको दिया है दोस्तों कि 584 गुणा 328 गुणा 547 गुणा 613 में इकाई का अंक क्या होगा, ये आपको बताना है। तो मेरे दोस्त बहुत सारे जो नए लोग अभी कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं वो क्या करेंगे, सभी का गुणा करेंगे, उसके बाद में बताएंगे इकाई का अंक, इसमें लग जाएगा आपको 5 से 7 मिनट, लेकिन मेरे दोस्त ऐसा नहीं करना है, इसका आंसर तो हमें चंद 5 सेकंड में ही निकाल के बता देना, और 5 सेकंड से भी कम समय दोस्तों आपको लगना चाहिए। बहुत ही सिंपल ये सवाल है, कैसे करेंगे, सवाल को मैं यहां पर एक बार लिख देता हूं, 584 गुणा 328 गुणा 547
गुणा 613। क्लियर है मेरे दोस्तों, यहाँ तक क्लियर है सवाल, मैंने यहाँ पर नोट कर दिया है। आपको एग्जाम में सवाल भी नोट नहीं करना, डायरेक्ट यहीं से हल करना है। मैंने इसलिए नहीं किया, थोड़ा सा जगह कम थी यहाँ पर तो आपको समझाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती, ठीक है। अब दोस्तों करना क्या है, इकाई का अंक पूछ रहा है तो हमें बाकी संख्या से कोई भी मतलब नहीं है, हमें मतलब किससे, सिर्फ इकाई के अंक से, क्योंकि हमें इकाई का ही अंक ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे दोस्तों, इकाई वाले अंक का गुणा इस इकाई वाले अंक में कर दीजिए, ठीक है। कितना हो जाएगा, 4 8 चौक कितना होता है, 32 होता है, तो यहाँ पर 32 लिख देंगे। अभी मैंने क्या बोला था थोड़ी देर पहले, संख्या से हमें मतलब है इकाई के अंक से, 32 आया है, 32 से हमें कोई मतलब नहीं, मतलब किससे, इकाई के अंक से, 2 से। अब इस 2 का गुणा मेरे दोस्त कर देंगे आप 7 में, तो हो जाएगा आपका 14। यहाँ से भी इकाई का अंक ही उठाएंगे, इस 4 का गुणा आप कर देंगे 3 में, तो ये हो जाएगा 4 3 12। आंसर निकल कर आ चुका है आपका, फाइनल इकाई अंक क्या है इसमें, 2 है। क्लियर है मेरे दोस्त, कितना आ जाएगा इसका इकाई अंक, 2 आ जाएगा, और ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखेंगे कौन सा वाला ऑप्शन मैच कर रहा है, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि इसका जो गुणा आप करेंगे तो इकाई का अंक जो निकल कर आएगा वो कितना निकल के आएगा, 2 निकल कर आएगा। क्लियर है, आशा करूँगा दोस्तों सवाल आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट हो दोस्तों तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएँ। अगला सवाल आपका बहुत ही शानदार सवाल है दोस्तों, देखेंगे हमारा अगला सवाल क्या है। तो ये रहा दोस्तों आपका अगला सवाल, बहुत ही शानदार सवाल ये दिया है। इस टाइप के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं घुमा के। 7 से कटने वाली 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या को 13 से विभाजित करने पर शेषफल क्या बचेगा, ये आपको बताना है। तो दोस्तों इतना कैलकुलेशन आपको दिमाग में लगाना पड़ेगा कि 7 से कटने वाली 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है। तो दोस्तों वो छोटी संख्या क्या होगी, आप 7 से 3 अंकों वाली जो छोटी छोटी संख्याएं 100 के आसपास की, उनमें जजमेंट लगा के देख सकते हैं, आपको पता चल जाएगा कि जो 7 से कटने वाली 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या वो कौन सी मेरे दोस्त, 105 है। क्या है, 7 से कटने वाली 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है, 105 है, और इस छोटी संख्या को आपको 13 से क्या करना है मेरे दोस्त, विभाजित करना है। सवाल की लैंग्वेज को आप समझेंगे तो आपको सवाल करने में बहुत ही आसानी होगी। 105 को, यानी कि 7 से कटने वाली 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या को यदि आप 13 से विभाजित करते हैं मेरे दोस्त, तो शेषफल कितना बचेगा, ये वो सवाल में पूछ रहा है। तो भाग लगाएंगे दोस्तों, कितनी बार कटेगा 13 से, 13 8 होता है दोस्तों 104, कितना होता है 13 8 104, शेष क्या बच जाएगा, 1 शेष बच जाएगा, और यही हमसे पूछा है कि शेषफल कितना होगा, तो 1 हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि 7 से कटने वाली 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या है जो 105, उसमें यदि हम 13 से भाग लगाते हैं दोस्तों, तो शेषफल कितना बचेगा, 1 बचेगा। क्लियर मेरे दोस्त, आशा करूँगा सवाल समझ आ चुका होगा। बढ़ेंगे अगले वाले सवाल की ओर। अगला प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है और बहुत ही सरल प्रश्न है। कई सारे लोग तो ऐसे सवाल देख के डर जाते हैं कि भाग का चिन्ह लगाए तो डर जाते हैं कैसे करेंगे इसको, लेकिन सवाल दोस्तों बहुत ही ज़्यादा सिंपल है और इस टाइप के प्रश्न एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। क्या दिया है, 3.5 को डिवाइड करना है आपको 0.0007 से। क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले डिवाइड का मतलब क्या होता है मेरे दोस्त, बटा होता है। क्लियर है, 3.5 दिया है तो 3.5 को लिख दीजिए, बटे में बटे वाली संख्या लिख दीजिए जिसका भाग लगाना है, 0.007। 3 0 यहाँ पर दिए, 0.0007, तो वैसा का वैसा दोस्तों यहाँ पर लिख चुका हूँ मैं। अब क्या करेंगे दोस्तों, दशमलव को हटाएंगे। कैसे हटाएंगे, आप चाहे तो बिना गुणा लगाए भी हटा सकते हैं दोस्तों। दशमलव हटाएंगे, दशमलव 1 अंक के बाद दे तो इधर क्या आ जाएगा, 10 हो जाएगा। या तो आप यहाँ पर 10 लिख दीजिए या इधर 10 लगा दीजिए, बात दोस्तों एक ही है, ठीक है। अब क्या करेंगे दोस्तों, अब हटाएंगे नीचे वाली दशमलव, दशमलव हटाएंगे 1 2 3 4, दशमलव के बाद कितने अंक है, 4 अंक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा दोस्तों, 1 2 3, और ये हो जाएगा 4, जितना अंक है उतनी 0 यहाँ पर लग जाएगी। क्लियर है दोस्त, अब क्या करेंगे, अब दोस्तों बहुत ही सिंपल आपका सवाल हो चुका है। सबसे पहले तो 10 से 10 हम कैंसिल कर देंगे, 7 से एक बार कटेगा, ये कट जाएगा 7 5 35, कितनी बार कट गया मेरे दोस्तों, 5 बार, 1000 का गुणा 5 में करोगे तो आप तो कितना निकल के आ जाएगा आपका, 5000, और यही हो जाएगा आपका इसका राइट आंसर। क्लियर दोस्तों, आशा करूंगा सवाल आपको समझ में आ गया होगा। तो ये रहा दोस्तों आपका अगला सवाल और आज का हमारा लास्ट सवाल है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, इस टाइप के प्रश्न भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। निम्न को, यानी कि आपको दिया है सवाल, 4/7, 2/7, 3/8, 5/11 और 6/13, इसको अवरोही क्रम में रखने पर पहली संख्या क्या होगी। अवरोही क्रम क्या होता है दोस्तों, आधे लोगों को समझ नहीं आता है, आरोही क्या होता है, अवरोही
क्या होता है। अवरोही क्रम आपसे पूछा, यानी कि अवरोही बोले तो घटता क्रम, अवरोही मतलब घटता क्रम, सबसे पहले बड़ी संख्या, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर सबसे छोटी। और अगर बोले आरोही क्रम मतलब बढ़ता क्रम, पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा, ये तो हो जाएगा आरोही क्रम, ये हो जाएगा अवरोही क्रम। सवाल में क्या पूछ रहा है? अवरोही क्रम, तो इसको उसी तरह से हल करेंगे। सिंपल सा एक तरीका इसका दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ। सवाल आपको क्या दिया है? 4/7, 2/7, दशमलव में आप कैसे बता पाएंगे कौन सी संख्या छोटी है, कौन सी संख्या बड़ी है? तो आप भाग लगा के देखेंगे इनमें, सात का भाग लगाएंगे 4 में, फिर 7 का भाग लगाएंगे 2 में, फिर 8 का लगाएंगे 3 में, तो दशमलव में आंसर निकल के आएगा। दशमलव से अगर आप बचना चाहते हैं तो उसके लिए एक सिंपल सा तरीका मैं आपको बता देता हूँ। करना क्या है, ऊपर वाली सभी संख्याओं में क्या कर लीजिए मेरे दोस्त, दो दो जीरो लगा लीजिए, यानी कि इसको कर दीजिए 400/7, क्लियर है? इसको कर देंगे 200/7, इसको कर दीजिए आप 300/7, इसको कर दीजिए आप 500/7, और इसको, सॉरी 7 नहीं आएगा मेरे दोस्त, यहाँ पर 7 है, यहाँ भी 7 है, यहाँ कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, क्लियर है? और अगला क्या है आपका 11 है, तो यहाँ भी कितना कर दीजिए 11 कर दीजिए। अगला है 6, तो इसको ये हो जाएगा दोस्तों 600/13, क्लियर है? अब आपको दशमलव से बचना है, बिल्कुल दशमलव से आप बच जाएंगे, दशमलव में आंसर आपको नहीं लाना है, क्लियर है? भाग लगाएंगे दोस्तों 7 × 7, 7 × 5 = 35, कितने बार भाग जाएगा 5 बार, कितना बच जाएगा दोस्तों 5 बच जाएगा, और 7 × 7 = 49, 57 बार भाग गया। आगे आपको नहीं करना है बिल्कुल भी, जितनी बार भाग जा रहा है उतनी ही बार भाग लगा दीजिए, दशमलव में बिल्कुल आंसर नहीं लाना है। दशमलव से बचने के लिए तो हमने यहाँ पर 2 जीरो लगाए हैं, क्लियर है? फिर भाग लगाएंगे 7 × 7, 7 × 2 = 14, 6 बच गया, कितना हो गया 60 हो गया, तो ये हो जाएगा 7 × 8 = 56, क्लियर है दोस्तों? फिर 8 का भाग लगाना है आपको काय में, कितना है ये 300 है, भाग लगाएंगे 8 × 8, 8 × 3 = 24, 6 बच जाएगा, कितना हो जाएगा 60, ये फिर से कटेगा कितनी बार 8 × 7 = 56, 37 बार, क्लियर है? 500 में भाग लगाना है 11 का, 11 × 11, 11 × 44, कितना बच गया दोस्तों 6 बच जाएगा, तो 60 हो जाएगा, फिर से भाग लगाएंगे तो जाएगा 11 × 5 = 55, एक और बचा है आपका 13 का भाग, 60 में लगाना है 13 × 13, ये कट जाएगा आपका कितनी बार 13 × 52, यानी कि 4 बार कट जाएगा, 8 बच जाएगा तो 80 हो जाएगा, 80 में 13 का भाग लगाएंगे कितनी बार जाएगा 6 बार, 13 × 6 = 78। अब आपको पता लग गया दोस्तों इन संख्याओं को देख के आप बता सकते हैं कौन सी छोटी है और कौन सी संख्या बड़ी है। तो आपसे क्या पूछा था दोस्तों, सबसे पहले कौन सी संख्या होगी अवरोही क्रम में, इसको आप पूरे को जमाएंगे। अवरोही क्रम क्या होता है दोस्तों? घटता क्रम। अवरोही क्रम क्या होता है? घटता क्रम, सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा, ऐसे करके आपको जमाना है। तो यहाँ पर संख्या देख लीजिए दोस्तों, सबसे बड़ी संख्या कौन सी दिखाई दे रही है आपको? 57 है मेरे ख्याल से, जी हाँ, सबसे पहले 57 लिख लीजिए। फिर कौन सा है? फिर 46 है, तो फिर 46 लिख लीजिए। फिर क्या है आपका? 45 है, तो 45 लिख लीजिए। फिर कितना आ जाएगा? 37 आ जाएगा, और फिर आ जाएगा आपका 28। आपको ये सभी नहीं लिखना है मेरे दोस्त, आपको समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ, आपको तो सिर्फ डायरेक्ट आंसर बताना है। वो बोल रहा है कि अवरोही क्रम में रखने पर पहली संख्या क्या होगी, तो सबसे बड़ी संख्या आप देख लेंगे इसमें क्या प्राप्त हुई, 57 प्राप्त हुई। 57 किससे प्राप्त हुई आपको? 4/7 से। तो पहला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 4/7 ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले कौन सी संख्या आप जमाएंगे इसमें? 4/7 जमाएंगे। अगर वो पूछ लेता दूसरी नंबर पर कौन सी संख्या जमेगी, 46 आपको किससे प्राप्त हुआ है? 6/13 से, यानी कि इससे प्राप्त हुआ, तो दूसरे नंबर पर 6/13 जमाएंगे। इस प्रकार से वो आपसे किसी भी नंबर की पूछ सकता है कि कौन सी संख्या किस नंबर पर होगी। तो पहले नंबर पर कौन सी संख्या आ जाएगी इस वाले सवाल में? 4/7, जो कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करूँगा दोस्तों आपको सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आज के लिए वीडियो में इतना ही, ये थे हमारे मैथ्स के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल, जो कि आपकी सभी एग्जामों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल हैं। दोस्तों आशा करूंगा सवाल आपको आज के समझ आए होंगे और वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो यार वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको हमारे आने वाले नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए डेली ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो हमारे चैनल पर लेके आते रहते हैं। और साथ ही अगर दोस्तों व्हाट्सएप ग्रुप से आप जुड़ना चाहते हैं तो डिस्प्ले पर आपको नंबर दिया गया है, आप इस नंबर से ज्वाइन लिखकर मैसेज सेंड कर सकते हैं, आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड कर दिया जाएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री महाकाल, धन्यवाद।